क्या आरपीएन सिंह इतने बड़े नेता हैं कि वो पूरे पूरे के पूरे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी किस्मत को बदल देंगे? आज जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही है, जिस तरीके से चीजों को रखने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पूरी मार्केटिंग हो रही है, वैसा लग रहा है जैसे कि आरपीएन सिंह नहीं कोई बहुत बड़ा जादू की छड़ी मिल गई है और अब तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लीन स्वीप करने जा रही है। क्या ऐसी स्थिति है वहां पे? देखिए आशु जी, जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह की छाती पे मूंग दल रहे थे, उस वक्त कितना बड़ा कद था उनका, नंबर एक। नंबर दो, मैं थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। ये सही बात है कि झारखंड में आरपीएन सिंह इंचार्ज थे और रघुवर दास की सरकार से मुक्ति दिलाई थी और फिर हेमंत सोरेन और कांग्रेस इनकी सरकार बनी थी, लेकिन ये जांच का विषय है और इस पर बहस आगे बढ़नी चाहिए। मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि जो कांग्रेस के विधायक टूट रहे थे, या जैसा कि हेमंत सोरेन से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि वहां इनकी जो पूरी भूमिका थी वो संदिग्ध थी, संदेह के घेरे में थी। अब सोरेन भाई को पता होगा भले ना बोले, और ये चीज हाईकमान को मालूम थी और ये करीबन 1-1.5 साल से दूरियां थी। 1-1.5 साल से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या आरपीएन सिंह हो या राहुल गांधी हो, दूरियां थी भीतर ही भीतर, नंबर एक। नंबर दो, सूचना ये भी है लखनऊ से कि आरपीएन सिंह इस जुगत में थे कि अगर वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं और उनको ले लिया जाए तो फिर एक नया दौर उसकी राजनीति शुरू करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं ज्यादा उनको सूट करती थी। जो कि सुरेंद्र भाई ने कहा कि भाई एकदम से एक यूटर्न ले लिया आप, कहाँ एक 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 सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के प्लान पर थे और एकदम से आपने छोर बदल लिया, आप एक राइट विंग पॉलिटिशियन हो गए। लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आना था और पडरौना से वो भी चुनाव लड़ के जीत के आए थे, उस वजह से समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजे बंद किए हैं तो ये आखिर में दरवाजा खोला गया और ये दरवाजा बीजेपी ने खोला डेस्परेशन में। मैं राजपूत जी की बात से पूरी तरह इत्तफाक रखता हूं और जो इन्होंने कहा कि साहब ये सुविधा भोगी लोग हैं, मैं कई बार मिला हूं, जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जब ये एमओएस होम थे, तो एक लाल बत्ती गाड़ी से चलना शान व शौकत, और फिर वो जो लग्जरी थी उनको, मुझे नहीं लगता कि कहीं उनको दूर दूर वो दिख रही थी। और ये सही बात है कि कांग्रेस एक लॉन्ग टर्म प्लान फेज में है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस किसी शॉर्ट टर्म प्लान में नहीं है। अगर सुरेंद्र राजपूत जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव करते हैं, अगर इनको 6 महीने के अंदर एमएलसी या राज्यसभा नहीं चाहिए तो ये टिके रहेंगे प्रियंका गांधी के प्लान के साथ, लेकिन अगर ये जल्दी में है, इनमें सब्र नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे जितिन प्रसाद चले गए, जैसे बाकी लोग चले गए, या आप गुलाम नबी साहब, आज उन्हें भी पद्म भूषण मिल गया है, उनकी गाड़ी भी मोदी जी के यार्ड में खड़ी हो गई, कभी ना कभी वो भी आपको देखेगा। तो जो लोग डेस्परेट थे और जो लोग एक उस लुटियंस पॉलिटिक्स से पूरी तरह से उनकी जरूरत बन गई थी, मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि साहब यहाँ तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 2024 की तैयारी है और एक एक करके किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अभी एक मोदी की स्पीच सुन रहा था और उस स्पीच में उन्होंने पार्लियामेंट में वंशवाद पर, परिवार की पॉलिटिक्स पर, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली, बड़ा प्रहार किया उन्होंने कि साहब ये जो राजे रजवाड़े हैं, ये जो बड़े परिवार के लोग हैं, जो सुविधा भोगी लोग हैं, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इनको खारिज करना, और उसमें बड़ी तालियां बजी, उस भाषण में बड़ी तालियां बजी, और बार बार फोकस जो संसद टीवी का था वो राहुल गांधी के ऊपर था। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अपर्णा यादव जो है, जितिन प्रसाद जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, आरपीएन सिंह जो है, ये किस वंश से आ रहे हैं, इनको लेने पर आपत्ति क्यों नहीं है? तो ये जो एक विरोधाभास, भाजपा का भी विरोधाभास आशु जी कहीं ना कहीं सामने आया है। अगर आरपीएन सिंह का कद कम हुआ है तो कद आप मानिए धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह, इन सब का भी बहुत नीचे चला गया। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो जिसने
दोनों तरफ से विचारधाराओं का टकराव है। एक साहब जो आरपीएन सिंह थे, जो उम्र भर मुझे लगता है कि कम से कम 3 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, आज उन्होंने यू टर्न लिया। तो एक यू टर्न आरपीएन सिंह का है और एक यू टर्न बीजेपी का है। तो ये एक बड़ी मतलब एक ऐसी राजनीति है कि जिसमें मुझे लगता है कि शीतल भाई कुछ ना कुछ कमेंट अगले बार जरूर करेंगे कि एक ऐसा घालमेल जहां कद दोनों का कम हुआ है, कम दोनों का कद मुझे कम होते हुए दिख रहा है, एक शर्मनाक स्थिति है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।